नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। मैं हूं शब्बीर अहमद। जिस तरह से उभाव थाने के अंतर्गत या सीयर ब्लॉक में के ग्राम प्रधानों पर आए दिन अभद्रता और गाली गलौज, यहां तक कि मारपीट की घटनाएं जो है सामने आ रही हैं, आज मैं बहरवा बासपार बहरवा में मौजूद हूं और यहां पे हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधान कन्हैया माली जी। इनके साथ भी एक घटना हुई जिसे लेकर के वह बेल्थाउड SDM को एक तहरीर भी दिए हैं। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी प्रधान जी, जो तहरीर दिए हैं, क्या है पूरा मामला? तहरीर दिए SDM साहब को कि मेरे ग्राम सभा बासपार बहरवा में एक जो एक करबला जगह है, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, तो मंदिर के अगल बगल जितने भूमि है वहाँ पे मुबारकपुर के एक ही घर के 3 या 2 लोग उस पर काफ़ी दिनों से कब्जा किए हैं लोग, तो उनको मतलब छोटी छोटी बातों के लेके कई बार विवाद भी हुआ। तो ये मुबारकपुर कहाँ है और आपका बासपार बहरवा? वहीं पे सटे हुए हैं बासपार बहरवा और मुबारकपुर, वहीं पे सटे हुए, वहाँ पे बॉर्डर भी है। अच्छा। बासपार बहरवा का मुबारकपुर का जी, तो वो लोग हैं मुबारकपुर और मंदिर है बासपार बहरवा में। मंदिर का जो भी जगह है सब बासपार बहरवा में, तो वहाँ पे एक टाली मिट्टी गिरा था, तो हमारे कुछ आदमी उनको फोन करके बताया, और इसके भी पहले कई बार हमने उनको चाहे और सबको हम मना किए थे। मिट्टी कैसा मिट्टी था? मिट्टी कौन गिराया था? मिट्टी यही मामला सामने नहीं आया, फोन गिराया था, तो वहीं से वहीं के घर के एक लड़का फोन करके हमको कहा कि प्रधान जी, मिट्टी हम लोग नहीं गिराए, कोई गिरा दिया होगा, या तो आप उसको उठा लें, नहीं तो जो आपका मर्जी। क्या रोड पे था मिट्टी? साइड में था बगीचे में, तो वहाँ पे हम अपना आदमी भेज के ट्रैक्टर टाली मिट्टी हटवा रहे थे, तो यादव जो कब्जा किए हैं लोग उस मंदिर के अगल बगल, ये लोग हमारे ऊपर टूट पड़े, हाथापाई करने लगे, इतना तक कि थापड़ भी उला दिए। लेकिन अच्छा। जी मारे नहीं लोग, लेकिन थापड़ उला दिए लोग, अनाप शनाप भद्र अभद्रता की व्यवहार किए, गाली गुप्ता सभी लोग दिए। तो वहाँ पर इस हालत को देख के हमने ट्रैक्टर टाली वापस कर दिया, अपने आदमियों को वापस कर दिया, और हम भी लौट आए अपने घर। उसके बाद हमने अपने SDM महोदय साहब को हमने पत्र दिया है लिखित के साथ, तो उसमें उन्हें यादव के परिवार के एक अश्वनी नाम के एक लड़के हैं, वो मोबाइल पे वायरल किए हैं कि कन्हैया माली प्रधान मंदिर ढावा रहे हैं, मंदिर गिरा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, मंदिर का कन्हैया माली खुद मंदिर का पुजारी हैं, हमेशा पूजा पाठ में बिजी रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। बेलथरा रोड के अंदर एक काली माँ का मंदिर है, उस मंदिर का खुद कन्हैया माली पुजारी हैं, ये बात को पूरा बेलथरा रोड की जनता जानती है कि कन्हैया माली इस मंदिर का पुजारी हैं, तो मंदिर से कन्हैया माली कितना आस्था रखते हैं। अश्वनी यादव जो भी मोबाइल से वायरल किए हैं, ये सब प्रधान को बदनामी के चक्कर में जी। तो ये मिट्टी से और मंदिर से क्या लेना देना है प्रधान जी? ये मिट्टी से और मंदिर से, मंदिर हम खुद, हम हिंदू हैं और मंदिर से हम खुद आस्था रखते हैं, हम खुद मंदिर का पुजारी हैं, तो उन लोगों की मनसा क्या है, आखिर मनसा क्या है, क्यों जो है इस तरह से आपको बदनाम करने की कोशिश? वो लोग का मनसा एक ही बात चल रहा है कि प्रधान यहाँ पे न आए न बोले, हम लोग जैसे कब्जा किए रहे, वो लोग का मानसिकता यही चल रहा है। तो क्या उस मंदिर के वो पुजारी हैं? नहीं, पुजारी नहीं है। तो किस तरह का कब्जा उनका है वहाँ पे? कब्जा कई वर्षों से कब्जा किए हैं लोग। मतलब क्या करते हैं वहाँ कब्जा करके? कब्जा करके जैसे मंदिर के अगल बगल जितने जगह है सब बांस वो लोग घेरवा दिए हैं, और वहाँ पे 3 मुहानी है, 4 चक्का की, अगर वहाँ वाहन जो टर्निंग करता है अगर वो बांस में टच करता है तो वो लोग आ जाते हैं उसको धमकाने के लिए, मारने के लिए कि कैसे लड़ा दिए। ठीक है, ये तो सही नहीं है, लेकिन अगर मंदिर की जगह को जो है वो लोग रख रखाव कर रहे हैं, तो किस तरह का रख रखाव है वहाँ पे जो है? मंदिर का चाबी वही लोग रखे हैं। हाँ। कोई पूजा के लिए जाता है तो कहते हैं लोग कि चौखट पे पूजा करके चले जाओ, कोई रामायण कीर्तन भजन के लिए जाता है तो कहते हैं कि मंदिर पे नहीं करो, अपने घर करो। तो मंदिर के अंदर वो लोग हमेशा जो 24 घंटे रहते हैं? जी बराबर रहते हैं, बैठना सब, हाँ, कुछ सब कुछ, कोई आता है कोई जाता है, कोई आता है कोई जाता है, लेकिन कब्जा किए हैं लोग। मकान उनका मुबारकपुर में है? मकान उनका मुबारकपुर में। जो फैमिली, जो परिवार के जो महिला सदस्य है वो कहाँ रहते हैं? सब मुबारकपुर में। अच्छा, मुबारकपुर। मुबारकपुर। यहाँ पे लोग रहते हैं यहाँ पे, मतलब दिन भर में आना जाना वो लोग को लगा रहता है, लेकिन ताला बंद करके आते जाते हैं। जी, ताला बंद करके आते जाते हैं। हाँ जी। तो उसके अंदर और किसी तरह का मंदिर के अंदर आपने कभी देखने की कोशिश की कि किसी तरह का और कोई कार्य हो रहा हो? हाँ, बहुत सारा उसमें है। क्या है कि
जिस समय हम प्रधानी जीत के आए तो उस समय वो 10 टाली और मिट्टी गिरवा दिए। तो हमारे आदमी हमको फोन किए, प्रधान जी ये जो मंदिर का जगह है ये लोग ऐसे ऐसे कब्जा किए हैं लोग, तो आप मना कर दीजिए। तो हम गांव के मुखिया होने के नाते हमने जाके उस मिट्टी को रोका, और आज भी मिट्टी वैसे ही चप्पा चप्पा जैसे टाली से गिरता है, चप्पा चप्पा वैसे ही मिट्टी है। तो हमने जाके जब रोक दिया और ये भी कहा कि जैसा स्थित है यहाँ पे नया काम कोई नहीं होगा, फिर भी वो लोग दबंगई से मट्टी गिरा रहे हैं, उसको कब्जा कर रहे हैं, उसको बांस से घेर रहे हैं, तमाम तरह की बात, जबकि वो मंदिर की जगह है। जी, जबकि वो मंदिर है। तो आपके हिसाब से वो लोग क्या चाहते हैं, इसमें क्या करना चाहते हैं? हमारे हिसाब से वो लोग का मानसिकता ये चल रहा है कि प्रधान जी यहाँ पे न आए, न बोले, न रोके। इसके पहले अश्वनी यादव एक बार बोला था कि हमने खीरू प्रधान को भी देख लिए थे तो इनको भी देख लेंगे क्या है। जो तहरीर आपने SDM महोदय को दी है, थाने पे भी कोई एप्लीकेशन आपका है? नहीं, थाने इस पे तरह नहीं। से आपके साथ जो है उन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है इसको लेकर? नहीं, अभी थाने पे नहीं। अच्छा, तो SDM साहब की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये मिला कि SDM साहब कहें कि ठीक है प्रधान जी, हम इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, इसको देखेंगे। जी जी, तो आप एप्लीकेशन दिए हो, तो आपको करीब 20 तारीख को आपने एप्लीकेशन दिया है। हिंदू नहीं है, भगवान का पूजा नहीं करते हैं, तोड़वा देंगे मंदिर, तोड़वा देंगे। तो SDM साहब थोड़ा सा फोन पे बिजी थे, गए प्रधान जी थोड़ा सा आवाज पे या तहसील पे आके मिल लीजिए। तो पहली नजर में आपको ये लग रहा है कि वो जो मंदिर की जगह है उसको वो लोग अपना बनाना चाहते हैं? जी, ये हाँ जी, यही है ना? हाँ जी। ग्रामवासी जो है क्या कह रहे हैं इस मामले? ग्रामवासी यही कह रहे हैं कि यादव लोग गलत हैं, मंदिर के नाम पे वो लोग कब्जा किए हैं, वो लोग जमीन हथियाना जी जी हैं। इस बात को पूरे ग्राम सभा की जनता भी जानती है कि यादव लोग गलत हैं। आपका क्या जो है मोटिव है, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि SDM साहब जो पत्र दिए हैं, SDM साहब आए उस जगह को देखें, देखने के बाद अपने सरकारी हिसाब से उसको निस्तारण किया जाए। मेरा मंदिर के पुजारी वही लोग हैं? नहीं, पुजारी नहीं। अच्छा, कितने लोग वहाँ रहते हैं? वहाँ पे मतलब रास्ता में मंदिर है और वहाँ बास पर बोहरवा का भी जगह है और वहीं पे मुबारकपुर का बॉर्डर है, बॉर्डर के उस बगल जैसे मुबारकपुर में वो लोग का मकान है। तो वहाँ कितने लोग रहते, कितने लोग हैं वहाँ पे? जैसे कि अब हम देखे तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमेशा आना जाना वो लोग को लगा रहता है। अच्छा, उन लोग को लगा रहता है जी। तो वो लोग मान लीजिए पूजा पाठ वहाँ करते हैं, वहाँ मंदिर की साफ सफाई करते हैं, देखभाल करते हैं, तो इससे आपको क्या ऐतराज है? ऐतराज ये है ना कि कोई व्यक्ति आता है पूजा के लिए तो वो लोग चाबी नहीं देते हैं, बोलते हैं चौखट पे कर लो। कोई व्यक्ति रामायण पूजा के लिए आ जाता है कीर्तन भजन के लिए तो कहते हैं कि यहाँ मत करो, मंदिर पे मत करो, अपने घर करो। अच्छा, ये बताइए कि उससे उन लोगों को लाभ क्या है? लाभ ये है कि वहाँ पे अपना गाय गोरु भूसा चौवा जो भी अपना खुद वो लाभ उठाते हैं उस जगह को पाट पाट के। अच्छा, वहाँ गाय भैंस वगैरह भी रखे हुए हैं वो लोग मंदिर के जगह में? जी जी। अच्छा जी, तो ये जो भी जो ये अतिक्रमण वो लोग किए हैं गाय भैंस भूसा, तो ये लोग मंदिर के जगह में ही है कि अपना उन लोगों ने? नहीं, सब मंदिर का जगह है, सब जितना वहाँ पे मंदिर के अगल बगल जितना जगह है सब मंदिर का जगह है। मंदिर के जगह में ही वो सब अपना जो है कारोबार भी फैलाया हुआ है? जी जी जी। और कुछ है वहाँ बनवाए भी हैं कुछ? और मंदिर के नाम पे मंदिर के बगल में जी थोड़ा सा हट के एक घर भी बनाया लोग, और कोई पूछता है तो कहते हैं कि मंदिर का धर्मशाला है। उसमें क्या करते हैं वो लोग? उसमें वो लोग सोते हैं, उठते हैं, बैठे मतलब उसी में बैठ के टाइम पास। अच्छा, उसमें और अपने रहने के लिए? अपने रहने के लिए। कोई आके अगर वहाँ पे उठता बैठता है तो पूछ के कहाँ से आए हो, कहाँ से, तुम्हारा घर कहाँ है, भगा देते हैं लोग। इस तरह का हमको सुनने को हमेशा मिलता है। पेड़ पौधा वगैरह कुछ अपने तरफ से वो लोग इस तरह का भी कार्य किए? नहीं, पेड़ पौधा तो अब बहुत पहले का बड़ा बड़ा पेड़ है वो सब लगवाया गया जी। तो जैसे गाय भैंस को लेकर के ग्रामवासी कुछ ऐतराज भी करते हैं कि ये गाय भैंस बांधने की जगह? हाँ, ग्रामवासी ऐतराज करते हैं लोग कि मंदिर का जगह है, मंदिर है, यहाँ पे गाय गोरु लोग नहीं बांधना चाहिए, पर्सनली अपना नहीं करना जी, गंदगी होता है जी जी। तो मेन फायदा उनको यही है? हाँ, वो लोग खुद हाँ अपने फायदे के लिए जी जी। जिस तरह से जो है मास पर बोहरवा के ग्राम प्रधान कन्हैया माली ने पूरी बात जो है बताई, इससे बात जो है एक साफ स्पष्ट होकर निकल के आती है
कि वह लोग जो है उस जगह को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उससे जो है उस जगह से उनका निजी जो है फायदा जुड़ा हुआ है। वहाँ पे वो गाय भैंस जो है अपने रखे हुए हैं, यहाँ तक कि उनके चारे का भी जो सामान रखे हुए हैं, एक उनके हिसाब से एक धर्मशाला बना लिए हैं जो कि अपने प्रयोग में वह लेते हैं, और उनको इस बात का डर है कि कहीं ये प्रधान जो है इस जगह को खाली न करा लें। चाहते हैं कि मंदिर पर जो है हमारा कब्जा रहे, प्रधान की दखल अंदाजी उसमें न हो। जिस एक टाली माटी गिरा था जिसको लेकर के वहाँ वह गए थे उसे हटाने के लिए, जिसके बाद इस तरह की जो है सब बातें सामने आई हैं। इसको लेकर उन्होंने एसडीएम बेल्थराउट को जो अवगत करा दिया है, और यह उम्मीद करते हैं कि एसडीएम साहब इसमें आएंगे और जो है ऐसे लोगों से ऐसी जगह को जो मंदिर की जगह है, पूजा स्थल है, उसको जो खाली कराएंगे। भारत मीडिया के लिए समझ के साथ सब्बीर अहमद की रिपोर्ट, आप देखते रहें भारत मीडिया चैनल।